कोई लड़की नहीं मिल पाई तो इतिहास के काले पन्ना में ही सही, सुरेंद्र शर्मा को भी नाम लिखो जावेगो, सुरेंद्र शर्मा को भी नाम लिखो। मेरी कविता का शीर्षक है बुढ़ापे में ब्याह। मुझे याद है एक बूढ़ो मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहूं और किसी विधवा से करना चाहूं। मैं बोले यार तू ब्याह तो कर ले, विधवा तो ही जावेगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखो, महारे मोहल्ले को समाज सुधारक, ये काम ही लोग कर रहे हैं। 65 साल की उम्र में 60 साल की विधवा से ब्याह की सोच के कई पग आगे बढ़ गयो। उनके ब्याह को कार्ड अभी मिलो थो, कार्ड में लिखो थो मेरे दादा लाला मरण दास जी, मेरे सुपुत्र कौन लिखता, मेरे दादा लाला मरण दास जी के शुभ पाणी ग्रहण को अंतिम संस्कार, निद्रा देवी दादी लाला चौपट लाल जी से होवेगो। तो थे कार्यक्रम पे पधार के वर वधु ने प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करो। मैं सोची दादाजी ने समझाना चाहिए, मैं बोलो जी ना थारे मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी ब्याह कर लिया हो। दादाजी बोला तू एक बात बता दे, ब्याह में आता और दांता को के काम पड़े। फिर देख है उम्र में भी समाज को उद्धार कर रही हूं, एक विधवा से ब्याह कर रही हूं। मैं बोलो दादाजी थारे पास पैसा है थे जो चाहो जावे, थाने विधवा तो के सुहागन भी मिल जावे। पर वे माना को नहीं और उनके ब्याह को सारो इंतजाम मैं ही करायो। मैं बूढ़ा ने घोड़ी की जगह एक चारपाई पे लिटायो और एक नाई ने बुलाकर या समझायो और एक नाई ने बुलाकर या समझायो कि यो बूढ़ो हार्ट को मरीज है, जै की आंख बंद होती दिख है तो चार पांच लोगों का सर मुंड दीजे ताकि एटमॉस्फियर बन जावे। फिर आप पंडित बोलो जी अब थे 7 बार चक्कर काटो। मैं बोलो रे पंडित चक्करा ने रहने दे, जय बूढ़ा ने चक्कर आ गयो तो तेरो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगो, म्हारी जान ने शमशान घाट को चक्कर लग जावेगो और बिगड़ेगो तो तेरो भी, तैने फेरा का पैसा नहीं मिल पावेगा। पंडित बोलो मेरो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगो, फेरा का नहीं मिलेगा तो क्रियाकर्म का मिलेगा। फिर पंडित बोलो जी अब थे वचन भरो कि थे पराई औरत ने गलत नजर से कोनी देखोगा। मैं बोलो रे पंडित बूढ़ा ने दिखा ही कोनी या के देखेगो और ऐ के उम्र की कौन सी जिंदा बची है जाने देखेगो। पंडित मेरी बात मानकर बोलो जी अब थे कन्यादान करो। मैं बोलो रे पंडित तेरो क्यों दिमाग खराब हो रही हो, ऐठे कन्यादान कौन करेगो, ऐठे तो दादी दान होवेगो। तो सुनता ही बूढ़ो हंसो और हंसता ही उनको दांत हवन कुंड में गिर गयो और बूढ़ो भी गिरतो गिरतो बचो और मैं